दूर दराज इलाके से स्प्रे आएगा, स्प्रे गॉड का, जैसा नाम वैसा काम, बट इतना उनके लिए काफी नहीं है। वो हंगर देखने को मिलती है एक स्पार्क के मन में और अब लाइफक्राफ्ट उनकी मुश्किलें पड़ने वाली हैं। सारंग सीधा स्लैमिंग करेंगे यहाँ पे, जो प्लेयर्स नॉक थे, एक प्लेयर को खत्म किया गया, दूसरे प्लेयर को स्पॉट करके स्प्रे करने की कोशिश सारंग के द्वारा। कनेक्शन कुछ खास मिला नहीं, बट लाइफक्राफ्ट काफी अच्छा मूव मेजी, मुझे लगा यहाँ पे लड़ाई करेंगे, अगर लड़ते तो मुश्किलों में फंसते, बट दो प्लेयर्स दोनों गाड़ी लेके निकलते हुए। देखिए वो नहीं लड़ रहे हैं, वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि टीम एक्सपा क्या उनको वो जाने देगी, यहाँ से वो निकल भी पाएंगे। डैमेज बहुत दिया गया राइजन, वो खिलाड़ी वहां पर डाउन हुआ और अब एक आखिरी खिलाड़ी बचते हैं ट्रिगर। अपनी टीम से डैमेज उनको भी बहुत ज्यादा दिया गया सारंग के द्वारा और अभी भी आप देखिए कि उस खिलाड़ी को वो छोड़ नहीं रहे और फाइनली स्प्रे गॉड उन्होंने देख लिया उस खिलाड़ी को, पास जाएगा। एडविनो की गाड़ी फंसी, उनकी किस्मत रुकी और वो भी यहाँ पे नॉक होते दिखे। और इसी चीज के मैं बात कर रहा था कि अगर आप जोन के बाहर रुककर स्काउटिंग नहीं करते हो तो फिर आपको दिक्कतें होंगी ही होंगी, ये तो बेसिक्स कहता है कि अगर आप सर्कल के डर तो बिल्कुल है नहीं। और ये नेड सही जगह जाएगा क्या, डैमेज देगा? जी नहीं यार, पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमने देखा है वो डोमिनेशन, वो अग्रेशन, बट आज थोड़ा सा ज्यादा उसको बढ़ाया गया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स एंटिटी, एक मुकाबला इन दो टीम्स के बीच में और यहाँ पे अगर इस कंपाउंड की फाइट की बात की जाए टीम एक्सपार्क के सामने, हैदराबाद हाइड्रास उनका एलिमिनेशन और इतना सरवाइव करने के बाद भी मात्र वो प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जा पाए, पर आईएनएस वो भी सर्कल के अंदर नहीं जा पाए, उनके खिलाड़ी प्ले जोन का शिकार हो गए। पर टीम एक्सपार्क, ये क्या रूप देखने को मिल रहा है इनका, निश्चित तौर पर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स डोमिनेशन किसे कहते हैं वो आप जान पाएंगे इन दो टीम से। नाम है ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और साथ ही साथ टीम एक्सपार्क। स्लग वो खिलाड़ी जोन के बाहर चला गया, उन्होंने वो फिनिश भी अपने हाथ से जाने नहीं दिया। टू इजी फोर